आंख आंख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए। आंख उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए। मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए। मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए। मस्जिद अल्फाज में भी दे रहा हूँ मैं अजान, मस्जिद अल्फाज में भी दे रहा हूँ मैं अजान। मेरा फन मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। मेरा फन मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए। रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं, रोशनी हो या अंधेरा तुझसे मैं गाफिल नहीं। मेरा दिन तेरे लिए है मेरी शब तेरे लिए। ये अशआर थे मुजफ्फर वारसी साहब की जो इस महफिल की के बाबरकत आगाज के लिए मैंने पढ़े। अब आइए मुशायरा शुरू करते हैं और जो तरतीब मुझे दी गई है उसके उसे मद्देनजर रखते हुए मैं पहले शायर को आवाज़ दूंगा। बस एक मुख्तसर सी बात मुझे याद आ गई, डॉक्टर इकबाल की एक नज्म है जिसका उन्वान है शायर। उन्होंने फरमाया कि मंजिल सनत के रह पैमा है दस्तों पाए कौन। जो इंडस्ट्रीज से सनत से जुड़े हुए लोग हैं वो कौन के हाथ और पांव हैं। मंजिल सनत के रह पैमा है दस्तों पाए कौन, महफिल नज्म हुकूमत चेहरा ज़ेबाए कौन। शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौन, किस कदर मुब्तलाए दर्द। शायर रंगी नवा है दीदाए बीनाए कौन, मुब्तलाए दर्द कोई उज्व हो जिस्म का कोई भी हिस्सा। मुब्तलाए दर्द कोई उज्व हो रोती है आंख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। तो डॉक्टर इकबाल ने शायर को इस मुआशरे और इस सोसाइटी की आंख तसव्वुर किया है। तो आइए इसी रोशनी में हम हर शायर को सुने। और सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ बहुत ही मोहब्बत के साथ इस महफिल के पहले शायर, नौजवान उभरते हुए शायर जिन्हें मैं इन चार मिसरों की रोशनी में आवाज़ दूंगा। वो शायरों में वो बहुत पुराने नहीं हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो एतमाद है और उनकी जो लगन है तो एक न एक दिन वो ज़रूर कोई मकाम हासिल करेंगे। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ कि हम उसका जिक्र जो रोज़ो शबाना करते हैं तो गुफ्तगू भी बहुत शायराना करते हैं, हम अपने जी की कभी उससे कह नहीं पाए इसीलिए तो गज़ल को बहाना करते हैं। आइए इस्तकबाल करें आमिर शहज़ाद साहब का कि वो आए और इस मुशायरे की शुरुआत अपने कलाम से। सबसे पहले पूरे इलाहाबाद की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम इकबाल अशआर साहब का कि इतनी मोहब्बतों से उन्होंने मुझे आवाज़ दी। और उन सबसे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन मोहतरम शख्सियात से मैंने नज़रें मिलाना सीखा है, आज ये मेरी बदनसीबी कहें या खुश नसीबी कहें कि आज उन्हें टिकट दिखाकर खड़ा होना पड़ रहा है, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, ख़ासतौर पर इकबाल अशआर साहब से, ताहिर फराज साहब से, नईम अख्तर खादमी साहब से। और सब बगैर तमहीद चार मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, मिसरे पढ़ता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। कि नर्म नाजुक सा बंधन बना लीजिए, नर्म नाजुक सा बंधन बना लीजिए, अपने हाथों का कंगन बना लीजिए। दिल लगाना है इतना भी मुश्किल नहीं, दिल लगाना है इतना भी मुश्किल नहीं, हो सके तो जरा मन बना लीजिए, हो सके तो जरा मन बना लीजिए।
जरा सी बात का दिल में मलाल रखा है, जरा सी बात का दिल में मलाल रखा है, इसी ख्याल ने उलझन में डाल रखा है। जरा सी बात का दिल में मलाल रखा है, इसी ख्याल ने उलझन में डाल रखा है। बुरी नजर न लगे तुमको इसलिए मैंने तुम्हारे हुस्न का सदका निकाल रखा है। बुरी नजर न लगे तुमको इसलिए मैंने तुम्हारे हुस्न का सदका निकाल रखा है। चार मिसरे और पढ़ता हूँ और उसके बाद एक आध छोटी सी गजल पढ़ के मैं अपनी जगह लूंगा। मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा। मेरे तमाम दोस्तों की फरमाइश थी और जिद थी कि मैं मिसरों को यहाँ पर पढ़ूं, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा, दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा, दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा। याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा। बहुत मुबारकबाद मनोज यादव घायल गाजीपुरी साहब को कि उन्होंने इलाहाबाद के लिए आज एक खूबसूरत सी तारीख बना दी। मोहतरम इकबाल अशार साहब, नईम अख्तर खातमी साहब और ताइस फराज जैसी शख्सियत को इलाहाबाद की सरजमीन पर उतारा। तो हम सब यकीनन खुशनसीब हैं कि आज ये शख्सियत हमारे बीच बैठी हुई है। मैं चाहता हूँ आप सभी सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं और इस महफिल को और खूबसूरत बनाएं। और मैं एक गजल का मतला हाजिर करता हूँ, आप सबसे दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। सारे जलते हुए दीपों को बुझा देते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। मैं बड़े अदब से नाम लेना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई जमाल अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, दोस्त सुफियान अल्तमश मौजूद है, आदरणीय बिहारी लाल अंबर जी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भाई जैसे प्यारे दोस्त कुमार विकास मौजूद हैं, उत्कर्ष मिश्रा बैठे हैं, सतीश भैया बैठे हैं, फरहान भाई बैठे हैं। गजल का मतलब सुनिएगा। कि सारे जलते हुए दीपों को बुझा देते हैं, सारे जलते हुए दीपों को बुझा देते हैं, उनकी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं, उनकी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं। गजल का पहला शेर हाजिर कर रहा हूं, सुनिएगा। कि मेरे जज्बात के पन्ने लगे भारी उनको, मेरे जज्बात के पन्ने लगे भारी उनको, वो मेरे खत को उठाते हैं जला देते हैं, वो मेरे खत को उठाते हैं जला देते हैं। और गजल के इस शेर में अगर मैंने कुछ गलती की हो तो अपने बड़ों से माफी चाहता हूँ। शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि कह दो गालिब से जरा दूर रहे वो मुझसे, कह दो गालिब से जरा दूर रहे वो मुझसे। विकास भाई सुनिएगा। कि कह दो गालिब से जरा दूर रहे वो मुझसे, खामखा याद मोहब्बत की दिला देते हैं, खामखा याद मोहब्बत की दिला देते हैं, उनकी तस्वीर को सीने से लगा लेते हैं। और एक मुद्दत से मेरी नींद खफा रहती है। आप सबके भी साथ होता होगा, शेर सुनिएगा। एक मुद्दत से मेरी नींद खफा रहती है, एक मुद्दत से मेरी
है वो मेरे ख्वाब में आते हैं जगा देते हैं, वो ख्वाब में आते हैं जगा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे ख्वाब में आते हैं जगा देते हैं। पेड़ से पूछिए पत्तों के जुदा होने का गम, पेड़ से पूछिए पत्तों के जुदा होने का गम। अगर नाजुक सा शेर हो तो दुआएं चाहता हूँ। पेड़ से पूछिए पत्तों के जुदा होने का गम, हम तो बस शाख पकड़ते हैं हिला देते हैं, हम तो बस शाख पकड़ते हैं हिला देते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। हम तो बस शाख पकड़ते हैं हिला देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया की मोहब्बत है। बार चार जैसी शक्तियाँ एक बार फिर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं। बहुत खुश नसीबी मेरी। ये पेड़ से पूछिए पत्तों के जुदा होने का गम, पेड़ से पूछिए पत्तों के जुदा होने का गम, हम तो बस शाख पकड़ते हैं हिला देते हैं, हम तो बस शाख पकड़ते हैं हिला देते हैं। हो सके कैद परिंदों को रिहा कर दीजिए, हो सके कैद परिंदों को रिहा कर दीजिए, कुछ न दे पाए मगर दिल से दुआ देते हैं, कुछ न दे पाए मगर दिल से दुआ देते हैं। गजल का मकता सुनिएगा, दुआएं चाहता हूँ आपकी। जिंदगी गम के सहारे नहीं चलती आमिर, जिंदगी गम के सहारे नहीं चलती आमिर, जिंदगी गम के सहारे नहीं चलती आमिर, ऐसा करते हैं कि अब उनको भुला देते हैं, ऐसा करते हैं कि एक बार जी जरूर पढ़ देता हूँ, ऐसा करते हैं कि अब उनको भुला देते हैं। जिंदगी गम के सहारे नहीं चलती आमिर, ऐसा करते हैं कि अब उनको भुला देते हैं। घायल गाजीपुरी साहब ने भी एक बात कही थी कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कम है, जिन्हें उम्मीद नहीं की गई थी उससे ज्यादा कम है। तो मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ इस पूरी महफिल में, आपके भाई जैसा हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ। एक सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि आदत और साहित्य इतना सस्ता नहीं है कि हर आदमी उसे समझ सके। लिहाजा यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, महान लोग हैं, आप सबकी मौजूदगी को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत छोटी सी गजल पढ़कर के मैं अपनी जगह लूंगा। बिल्कुल नई नई सी गजल हुई थी, बहुत मोहब्बतें आप सबकी, बड़ी मोहब्बत से मुशायरा सुन रहे हैं। बिल्कुल एहसास नहीं है कि यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं कि 10,000 लोग बैठे हैं। हम तमाम मुशायरों में होते हैं, हमारे बड़े इस बात के गवाह हैं कि वहाँ पर लाखों की भीड़ हो या 50,000 की भीड़ हो, लेकिन सही मायने में शायरी को सुनने वाले लोगों की आबादी इतनी ही होती है, लोग इतने ही होते हैं ओरिजिनल में पोएट्री सुनने वाले लोग। तो मैं गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। जी बस बहुत छोटी सी गजल पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि दर्द जब बेहिसाब होता है, दर्द जब बेहिसाब होता है, दर्द जब बेहिसाब होता है, एक तुम्हारा ही ख्वाब हो ख्वाब होता है। शेर सुनिएगा। उनसे कह दी है दिल की सब बातें,
उनसे कहती है दिल की सब बातें, देखिए क्या जवाब होता है, देखिए क्या जवाब होता है। गजल का मक्का पढ़ते कि मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, सुनिएगा कि माँ की सूरत को देख कर आमिर, मोहब्बतों से विदा करिएगा कि माँ की सूरत को देख कर आमिर मुस्कुराना सवाब होता है।